लैला की आंखों में कैसा दर्द, नवाज में देखी खूबसूरती, विलन के किरदार में हो गया प्यार। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित नारवारा और आपका स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। बॉलीवुड के आने वाले समय में हम एक साथ बहुत सारी फिल्में देखने वाले हैं, जो एक साथ बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाएंगी। आपको बता दें कि अप्रैल का महीना बॉलीवुड के लिए काफी खास है, क्योंकि इस महीने में हमें बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दिखने वाली हैं, और हम इस बॉलीवुड की टक्कर को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। रोमांस और एक्शन से भरपूर फिल्में हीरोपंती 2 29 अप्रैल को सिनेमाघर में रिलीज होने वाली है। हीरोपंती 2 में टाइगर श्रॉफ और तारा सुतारिया की जोड़ी धमाका मचाने के लिए तैयार है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के साथ तारा सुतारिया भी नजर आएगी। हीरोपंती 2 एक लड़के के बारे में है जो रात में लोगों की मदद करता है, चाहे वो किसी को डकैती से बचा रहा हो या किसी को किडनैप होने से। भारत सरकार इस बारे में पता लगाती है और उसे रूस भेजती है, जहां उसके पास रात में रूसी सैनिकों को मारने का मिशन है। लेकिन किसी तरह कुछ गलत हो जाता है और पूरी दुनिया को ऐसा लगता है कि ये रूसी सेना का नेता है। अब ये फिल्म किस कहानी को दिखाएगी, जिसमें टाइगर श्रॉफ को दुनिया को ये साबित करना होगा कि वो सच्चे हैं। और इस फिल्म में हमें ये देखने को मिलेगा कि कैसे टाइगर दुश्मनों को हराने के लिए अंधेरे का इस्तेमाल कैसे करता है और सभी को गलत साबित करता है। आपको बता दें कि हीरोपंती 2 में हमें विलन के किरदार में नवाज दिखने वाले हैं। इस फिल्म में नवाज के किरदार के बारे में बातें करते हुए निर्देशक अहमद खान ने कहा, जब हमने हीरोपंती 2 पर काम शुरू किया तो स्क्रिप्टिंग स्टेज में हम जानते थे कि हमें एक किरदार, एक इमेज, एक चेहरा, एक पर्सनैलिटी वाला आदमी चाहिए जो टॉप के खिलाफ खड़ा हो सकता है, तो नवाज भाई पहला और एकमात्र ऑप्शन था जो मैंने सोचा था कि लैला के किरदार को निभा सकता है। नहीं तो ये बदसूरत लगेगा, ये टॉप पर दिखेगा, लेकिन आप देखिए उनकी आंखों में आप लैला का दर्द देख सकते हैं, और इसलिए वो नवाज हमारी पहली पसंद थे। आपको बता दें कि हीरोपंती 2 फिल्म को बड़े लेवल पर बनाया गया है और इस फिल्म के लिए अभी से ही लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है। अब जब भी ये फिल्म थिएटर्स में आएगी क्या धमाका होगा, ये तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं, और आप बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मैं रोहित नारवारा लेता हूँ आपसे इजाजत। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और अपने पसंदीदा एक्टर्स और फिल्मों के बारे में लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।